why selling on Alibaba. So now students, अभी तक जो हमने discussion की है, अगर मैं उसको एक holistically मैं sum up करूँ, तो हमने basically अपने हिसाब से अपना e-commerce store setup कैसे करना है, उसमें product कैसे upload करनी है, उसकी payment integration की पाकिस्तान में हमारे पास क्या options हैं, ये हमने अभी तक सारी overall discussion की है और SEO को हमने थोड़ा सा हमें देखा है. अब एक different dimension है. अब dimension ये है कि अब आपने खुद से यानी खुद से domain purchase करके या अपना store खुद से setup नहीं करना. Alibaba.com जो हम इससे पहले भी हम discuss कर चुके हैं, एक it is the one of the largest B2B यानी business to business एक portal है. उस पे अगर आप as a business अपना e-commerce store run करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक option available है. तो लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम ये देखते हैं कि अलीबाबा ही क्यों. ये कोई भी डिसीजन करने से पहले सबसे पहले आप ये सोचा करें कि क्यों करना चाह रहे हैं. यहाँ पे ये डिसीजन करने के लिए जस्ट गो टू द स्टैट्स. नंबर गेम पे अमूमन हम लोग डिसीजन किया करते हैं इस तरह का. एज वी स्पीकिंग 2018 सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रिटिकल जो नोमेरिक है अलीबाबा के ऊपर 12.7 अरब सालाना ऑर्डर 2017 में अलीबाबा के थ्रू जनरेट हुए हैं. और दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है. तकरीबन 13 बिलियन यानी 13 अरब एनुअल ऑर्डर्स. जस्ट इमेजिन द क्वांटम. 255 मिलियन यानी आप समझे तकरीबन 26 करोड़ एक्टिव बायर्स हैं यानी चीजें खरीदने वाले. यानी मैं और आप अगर जो चीज अगर अलीबाबा से खरीदते हैं तो ऐसे लोग 25 करोड़ हैं. 255 मिलियन, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है. उसके बाद एक जो ऑर्डर यानी एक एक्टिव बायर है, मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज परचेज करता हूं अलीबाबा से और हमने ये देखा कि 25 करोड़ बायर्स हैं अलीबाबा पे, तो एनुअली एक बायर अलीबाबा के थ्रू 50 ऑर्डर जनरेट करता है. तो अगर 25 करोड़ को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तकरीबन 12-13 अरब ऑर्डर बन जाएंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया है. तो 50 ऑर्डर एक बायर के सालाना, ये बहुत बड़ा नंबर है. क्योंकि हम मैं और आप बात कर रहे हैं कि हम अलीबाबा के थ्रू अपना ई कॉमर्स स्टोर रन करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि और हमारी तरह के और कितने लोग हैं जो अलीबाबा को यूज कर रहे हैं अपनी चीजें सेल करने के लिए. मतलब सेलर कितने अलीबाबा पे, अलीबाबा पे तकरीबन 80 लाख सेलर हैं. 8 मिलियन 80 लाख का अमाउंट है जो एक्टिव सेलर्स हैं जो अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं अपना ई कॉमर्स स्टोर जनरेट करने के लिए. तो नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ कि एक अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दे रहा है जिसके थ्रू हम लोग अपना बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं. बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर मैं रिकैप कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ पाकिस्तान में और मैं अपनी शर्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल चाइना में मैं किसी को बेचना चाहता हूँ, कीप दिस थिंग इन माइंड, जो Alibaba.com है ये होल सेल का प्लेटफॉर्म है यानी बड़ी अमाउंट को, यानी एक दो टी शर्ट्स के लिए ये नहीं है. अब यूँ समझें कि अगर बल्क में किसी ने खरीदना है होल सेल हज़ारों में या सैकड़ों की तादाद में अगर किसी ने कोई चीज़ बेचनी है तो वेंडर और सेलर के दरमियान एक प्लेटफॉर्म हमें ये प्रोवाइड करता है. मतलब ये इसको Amazon.com से आपने कंपेयर नहीं करना क्योंकि वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अलीबाबा का ही एक और सब्सिडरी कंपनी है यानी उसकी एक और कंपनी है यूं समझें जिसका नाम है अली एक्सप्रेस. उसको आप कंपेयर कर सकते हैं Amazon से क्योंकि वो बिजनेस टू कंज्यूमर है. लेकिन दोनों में एक की फर्क है, कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं बात कर रहा हूं अभी कि आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान से ऑपरेट करना है. अनफॉर्चुनेटली जो अली एक्सप्रेस है वो अभी तक अलाउ नहीं करता आउटसाइड चाइना किसी भी कंपनी को या किसी भी स्टोर को सेलिंग करने के लिए. यानी आसान लफ्जों में मैं अली एक्सप्रेस के थ्रू ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में रहते हुए मैं रन नहीं कर सकता. जो अलीबाबा है वो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अलीबाबा के थ्रू ई कॉमर्स स्टोर रन कर सकते हैं. तो
یعنی آپ علی بابا کے تھرو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کو کہیں پہ بھی کسی وینڈر کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں جو پھر آپ سے انٹریکٹ کر کے آپ کے تھرو وہ ساری پرچیزنگ ہو جائے گی. سو دس از آل اباؤٹ وائی علی بابا.